आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। लंगर हाउस के इलाके बापू नगर में एक खबरस्तान में जब किसी के लिए खबर की जगह मांगी गई तो यहाँ के मुतवल्ली ने ये कहा कि वो कोने में कहीं जगह है, जाकर देख लीजिए। जब उन्होंने अपनी पसंद की जगह जब बताई तो मुतवल्ली ने कहा कि ये जगह मैंने बेच दी है। अब आप बताइए, खबरों को बेचा जा रहा है, किसी को लाख रुपए में, किसी को 50,000 में, किसी को 10-20,000 रुपए में। अगर कोई गरीब मरता है तो उसके पास तदफीन के लिए तक पैसे नहीं होते तो फिर खबर के पैसे वो कहाँ से देगा। आखिर ये खबरों के माफिया जो खबरें बेच रहे हैं कब्रस्तानों में, इन पर कार्रवाई कब होगी? क्यों नहीं ऐसे कब्रस्तानों के मुतवल्ली जो पैसे मांग रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनकी मुतवल्लीशिप छीन ली जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई मैं जो है सोहराबुद्दीन साहब का पोतरा हूँ। हमारे को मुतवल्ली साहब बहुत सता रहे हैं, ज़मीना बेच के खा रहे हैं। क्या नाम है मुतवल्ली? सैयद महमूद हुसैनी। तो उनके ऊपर केस डाले 2012 में। कौन डाले? मैं डाला केस। आप कौन होते उनके? मैं उनका चचेरा भाई होता हूँ। तो ये आपके खानदानी मुतवल्ली शिप आपकी खानदानी है? खानदानी है साहब। तो खानदानी चल रही, उसकी लीड जो है हाईकोर्ट में भी चल रही और ट्रिब्यूनल में दो केस चल रहे हैं। जो स्टे है पीछे 712 अगस्त का मस्जिद के पीछे और जो है एक संदल के आर्डर का है, तीन केसेस चल रहे हैं। तो अभी ट्रायल पे फाइनलिंग पे है, हियरिंग फाइनलिंग पे है, कि आर्गूमेंट और जजमेंट के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। जो आज जो परेशान कर रहे हैं हमारे फूफा की तदफीन के लिए, कि पहले तो जगह नहीं देते बोले, उसके बाद में जो है बड़ी मुश्किल से जगह जो है उधर कोने में बता रहे हैं जो कचरे की जगह है और हमारा पूरे खानदान यहाँ पर है। तो हम ये सामने चबूतरे के ऊपर है पूरे, ये सोहराबुद्दीन औलिया दरगाह सोहराबुद्दीन औलिया का खानदान, जो मैं उनका पोतरा होता हूँ। तो केसेस चल रहे हैं हमारे, इंशाल्लाह ताला हम जो भी उसका कोर्ट का फैसला आएगा हम खोलेंगे। फिर भी वक्फ बोर्ड जो है बोलने के बाद में, अब लास्ट टाइम पे वक्फ बोर्ड जो है सीईओ साहब जो है फ़ोन करने के बाद में एक काम चालू करें। आज इशू क्या हुआ? इशू उन्होंने रोक रहे हैं कि खबर की जगह नहीं देते बोल के, यानी तो लिख के देना कि इंतकाल 4 बजे हुआ, 5 बजे से यहाँ पर भाया हम लोग हैं। बस उनकी जिद है, या नहीं देता भाई, या नहीं करना, करे तो उधर कोने में करना और फिर लिख के देना दोबारा कभी नहीं आना यहाँ पर बोल के। पैसे डिमांड करेंगे आप? अब वो तो नहीं आया, मगर उनका जिद तो वैसी दिख रही थी कुछ, उन रिलेटिव्स होने की वजह से बोलने चाह रहे थे, बोल नहीं सक रहे थे। आप बोले मतलब क्या वक्त है? अब 1:30-2 बज रहे ना साहब। मतलब दिन के रात के? रात के। अब इंशाल्लाह ताला काम तो चल रहा है, तदफीन अब सुबह कितना टाइम होता क्या है नहीं मालूम है। ये MLA साहब और जो है CO साहब का फोन आया भतीजे के फोन पे कि आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, आप करिए बोल के। MLA कोसर मोहिद्दीन साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और जो है वक्फ बोर्ड CO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मजलिस के तमाम असद साहब का, अकबर साहब का, तमाम MLAs का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा साथ भी दिया, आज ऐसी साथ देके जो है इस वक्त के जायदादों को बचाए तो जो है बेहतर रहता, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। रहमतुल्लाह, मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन ज़ुबैर है। मेरे ताया का इंतकाल हुआ आज, सैयद सईदुद्दीन सुल्तान, जो कि उस्मानिया मेडिकल पब्लिशर्स के फाउंडर है, उनकी एज 89 ईयर्स थी। तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। अब हर किसी को दुनिया से जाना है, लेकिन यहाँ पर इनका हड़वाड़ है यहाँ पर। तो ये सैयद शाह सोहराबुद्दीन औलिया जो खबरस्तान लगर है उसके पास है, NTR स्टैचू के बाजू में गली है, तो यहाँ पर हड़वाड़ है। तो देखिए भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, वालिदैन अपने औलाद से कुछ भी नहीं चाहते बदले में, इतना पालते पोसते बड़ा करते लेकिन कुछ नहीं चाहते। बस आखिरी वसीयत थी मेरे ताया की कि मेरी तदफीन मेरी बीवी के खबर के पास होना, बस उसके लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चे हम सब। तो उसके लिए यहाँ के मुतवल्ली हैं, महमूद कुछ नाम है इनका, तो सो कॉल्ड मुतवल्ली हैं, वो भी उन्होंने खुद अपने आप से बन गए सोए में मुतवल्ली बल्कि, उन्हें ये बोल रहे हैं कि वो जगह में बेच जा किसी और को, मैं वो नहीं देता हूँ, वहाँ कचरे में बता रहे हैं जगह, वहाँ पर दियो बोल के बोल रहे हैं, वहाँ पर तदफीन करो बोल रहे हैं।
और एग्रीमेंट बनाओ बोल रहे हैं कि अगली बार कोई भी हमारे खानदान से नहीं आना यहाँ पर दफन करने के लिए। मुतवली आपके खानदान के हैं? खानदान के हैं, उनके चेहरे पे ज़रा गम नहीं है, उनकी रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार है, उनके चेहरे पे ज़रा गम नहीं है इंतकाल हुआ तो। उन्होंने ये बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट बॉन्ड पेपर लिख के दियो, और ये बोल रहे हैं कि अगली बार कोई भी नहीं आना यहाँ पर कब्रिस्तान में तदफीन के लिए। आखिर ये वजूहत क्या है जो ये चल रहा आप लोगों के? ये मुतवल्ली जो है, देखिए तनाज़ा नहीं है, तनाज़ा नहीं है कुछ भी। मुतवल्ली क्या है, ज़मीन खबरें बेच दिए, ये खबर उनके लिए, वो खबर उनके लिए। मैं तो सुना 1-1 लाख रुपये में बेचे, हम तो ये भी बोले कि 10 लाख रुपये ले लो आप, लेकिन हमारे ताए की वसीयत थी आखिरी वसीयत, वो वसीयत के लिए बच्चे कुर्बान हो जाते, अपने आप को कुर्बान कर देते वसीयत आखिरी वसीयत। डिमांड कर रहे हैं? नहीं, इन्हों खुल के तो नहीं बोले अभी तक, लेकिन अगर हम बात रखेंगे तो आ जाते उन्होंने, लेकिन इतने लोगों के सामने अब उन्होंने, अब ईगो पे आ गए, उनकी बात ईगो पे आ गई, उन्होंने ये चाह रहे हैं कि मैं बोल दिया ख़त्म। अब देखिए शुरू हो गई खुदाई में, मेरे ताया है वो, तो खुदाई शुरू हो गई, उन्होंने बोल रहे खुदाई बंद करो। तो अगर हम तदफीन कर देंगे क्या वो नौजबिल्ला आके, क्या हम लोग 5 बजे आए, शाम में 5 बजे आए, देखिए अब क्या टाइम हो रहा, 1:30 बज रहा, जी हाँ 1:30 बज रहा, तो क्या नौजबिल्ला उन्हों हम तदफीन करके बाद निकाल देते मुर्दे को अंदर से? तो ये कब्रिस्तान में देखिए, एक तो बात ये है कि वक्फ बोर्ड वाले ये बोले कि कौन सा ही मुसलमान का कब्रिस्तान रहे तो मुसलमान की तदफीन होने छोड़ना, लेकिन ये तो हड़बड़ है ना। चलो ठीक है हड़बड़, कोई और बोले तो नहीं ना, उनके रिश्तेदार ही हम, उसके उनके रिश्तेदार होते हुए भी उन लोग हम परमिशन नहीं दे रहे परमिशन, और उन ये बोल रहे हैं आप लोग कोर्ट में केस डालने से वो लोग नहीं 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 वैसा मसला नहीं है, वो मुतवली मुतवली का मसला चल रहा है, वो केस का ठीक है। अगर मान लीजिए, नहीं सुनिए सुनिए, मान लीजिए, देखिए देखिए, मान लीजिए अगर केस का है मसला, मरहूम से क्या दुश्मनी, इंतकाल हो गया घर में है मैयत, भाई हम लोग दवाखाने से सीधा यहाँ पर आए, घर में जाके देखे तक नहीं उनको, तो बोला हम हमारे दिल पे क्या गुजरती, उनके बच्चे यहाँ पर है, बच्चे क्यों कर रहे हैं, उन्हें लड़ने आ रहे हैं, उन्होंने हर जगह कैमरे से हर जगह कब्जा करने वाला ही लगा था ना कैमरे इस कब्रिस्तान में। तो और जो केस की बात है, केस ये डाले कि उन्होंने खबर अलग अलग खबर भेज दी, उन्होंने अलग अलग कीमतों में खबर भेज दी, वही वहाँ पर आप लोग देखे, आप देखें ना आप लोग जाके, हाँ वहाँ पर वो भी केस चल रहा, भेज दिए सो केस चल रहा, वहाँ पर कचरा है, वहाँ पर कचरे की जगह तदफीन कर, इनका इंतकाल अगर इनका इंतकाल हुआ तो वहाँ दफन होने के लिए उन्होंने राज़ी होते, बोलते मेरे बच्चों को वहाँ दफन करो, बोलते नहीं यहाँ तो अंदर करो, बोलते भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, इतनी जगह है खाली, उन्होंने बरा नहीं है, मैं वो बेच दिया सबके सामने, आप लोगों के सामने बोले मैं वो दे दिया बोल के बोले, जमीन किसी को दे दिया, किसी को दे दिया बोल के बोले, उन्हें कौन होते साहब? देखिए एक बात तो खुदाई शुरू कर दी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर खुदाई, अगर इन जोहर में रखें हम लोग पूरे रिश्तेदारों को, इनका अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सर्कल है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो ये खबर को पैक नहीं करना, बस नहीं करेंगे, तदफीन होने देना, और तदफीन होने के बाद खबर को हाथ नहीं लगना इंशाल्लाह। आप एक काम करिए, खबर में से निकाल देंगे, नहीं 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 बोले नहीं बोले, उनका बेटा बोला मैंने सुना, लेकिन वकबोर्ड वालों को क्या, किस बार फोन पे बात हुई, उन्होंने क्या बोले हम देखिए, उन्होंने क्या जी हाँ, लेकिन उन्होंने कचरे की जगह बता रहे, वकबोर्ड वाले यही बोले कि जगह दे दो, लेकिन वहाँ पर आप लोग देखे ना वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर दे भाई मीडिया से नहीं है, एक जी तो उनका भी हड़वाड़ वो लोग भी पूरे आपके रिश्तेदार है ना, बराबर जी नहीं पूछना चाह रहा हूँ आपके रिश्तेदार है या नहीं है, रिश्तेदार है उन लगा पैसा डालो अरे जान दो साहब, मरहूम केस खुला के मर गया, मरहूम तो मरहूम की तस्वीर होना, पूछिए उनसे केस कई को डाले बल्कि पूछिए, एक मिनट जान लीजिए अपना माशरा अपन खराब करे, एक इंसान गुजर गया मरहूम 4 बजे उसका इंतकाल हो गया, ये क्या अभी क्या टाइम हो रहा भाई, ये आप एक जी बोलिए ठीक है भाई, देखिए आप ये चीज में आप ही हिस्सा लीजिए, आपके बाप की तो नहीं है ना,
चार बजे से मैयत रखी हुई है यहाँ पे बैठे हुए चार बजे से आपके वाली साहब की आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लाइडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पत्थरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्थरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।